इस वीडियो में हम सीखेंगे सी लैंग्वेज में मुख्तलिफ स्टैटिक पैटर्न्स कैसे प्रिंट करते हैं। सबसे पहले मैं टर्बो सी ओपन करता हूँ। टर्बो सी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इंटरमीडिएट पार्ट टू में की बुक में, टेक्स्ट बुक में टर्बो सी रिकमेंडेड है। सबसे पहले पहली लाइन में स्टैंडर्ड हेडर फाइल ऐड करेंगे जो कि इंक्लूड के कीवर्ड से ऐड की जाएगी। इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल सेकंड लाइन में मेन मेथड ऐड करेंगे जो कि इंडिकेट करता है कि प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट हो गई है। पहली ब्रेस से बॉडी स्टार्ट करेंगे। रोज और कॉलम को हैंडल करने के लिए दो वेरिएबल्स जनरेट करवाने पड़ेंगे इंटीजर डेटा टाइप के। मैं आई और छः दो वेरिएबल ले लेता हूँ और लाइन के एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप में आई की इनिशियल वैल्यू 1, कंडीशन फॉर लूप की आएगी आई लेस देन इक्वल टू 5। ये नंबर रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज किया जा सकता है, यानी कि कंडीशन चेंज की जा सकती है। आई प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। फॉर लूप की बॉडी में एक और फॉर लूप जिसको हम नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं, इसमें जे की इनिशियल वैल्यू 1 और कंडीशन आएगी जे लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस। उसके बाद इनर फॉर लूप की बॉडी में स्टैटिक को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटएफ का फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंटएफ के फंक्शन के इन्वर्टेड कॉमास में हम स्टैटिक टाइप करेंगे। इसके बाद प्रिंटएफ की बॉडी क्लोज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये इनर फॉर लूप की बॉडी क्लोज हो गई। उसके बाद आउटर फॉर लूप की बॉडी क्लोज करने से पहले हम प्रिंट एफ का फंक्शन फिर यूज़ करेंगे ताकि जैसे ही इनर फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हो और कर्सर हमें न्यू लाइन पर ले जाए। इसके लिए एस बैक स्लैश एंड का स्केप सीक्वेंस यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट टर्मिनेटर ये बॉडी क्लोज और ये मेन मेथड की बॉडी क्लोज। और मैं ऑल्ट F9 प्रेस करके प्रोग्राम कंपाइल करता हूँ, नो एरर। फिर कंट्रोल F9 से प्रोग्राम रन करता हूँ, नो एरर। और स्क्रीन पर आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट F5 प्रेस करता हूँ। ये स्टैटिक सेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल्ट फिलहाल प्रोग्राम को सेव नहीं कर रहा।